यूपी में धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है तो वोट के लिए जाति गणित का मेल भी चल रहा है। इस कड़ी में अब चाहे बीएसपी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, सबकी एक नजर अनुसूचित जाति के वोट बैंक पर गड़ी हुई है। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लखनऊ में अंबेडकर स्मारक का शिलान्यास किया है, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर की 25 फीट ऊंची प्रतिमा लगनी है। वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। आखिर डॉक्टर अंबेडकर के बहाने बीजेपी चाहती क्या है, अब जरा इसको समझ लीजिए। अनुसूचित जाति का वोट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और उस पर बीजेपी की भी नजर है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति करीब 22 फीसदी है और बीजेपी के लिए ये वोट इसलिए भी अहम है कि पिछले विधानसभा चुनाव में एससी वर्ग का करीब 40 फीसदी वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया था। तब बीजेपी ने 312 सीटें 403 में से यूपी में जीती थी। इस बार भी अगर वो 300 के पार का सपना देख रही है तो ये एससी वोट के बगैर संभव बिल्कुल नहीं है। साथ ही एससी वोटों के दावेदार मायावती और चंद्रशेखर की काट के रूप में भी बीजेपी की ये चुनावी रणनीति हो सकती है। इसीलिए लखनऊ में संविधान बनाने वाले बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति पर राजनीति शुरू हो गई है। मायावती से लेकर भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर तक को लगता है कि चुनाव आया तो योगी सरकार को अंबेडकर याद आए। आपको बता दें कि लखनऊ में बीएसपी के शासनकाल में बहुत से ऐसे स्मारक हैं, प्रतिमाएं हैं जो बाबा साहब अंबेडकर और एससी समाज के उत्थान के लिए बनाए गए थे और वो बहुत इजीली विजिबल हैं और बहुत बड़ी तादाद में दिखाई भी देते हैं। ऐसे में अब एक बार फिर अंबेडकर के नाम पर प्रतिमा लगाना, स्मारक बनाना, इसीलिए बीजेपी के मंसूबे पर अब उनके विरोधी सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए मेरे सहयोगी पंकज झा की ये रिपोर्ट। उस नारे से बाहर निकलिए कि ब्राह्मण शंख बजाएगा। अब शंख बज रहा है तो वोट के गणित को अनुसूचित जाति से जोड़कर देखा जा रहा है। आखिर ये मौका भी था और दस्तूर भी, क्योंकि स्मारक संविधान बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर बन रहा है। जब भी वंचितों, दलितों, उपेक्षितों और समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की आवाज की बात होगी तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम बड़ी श्रद्धा, बड़े सम्मान के साथ विश्व मानवता से लेगा। उत्तर प्रदेश में एससी वोट हमेशा से निर्णायक रहे हैं। उसकी बुनियाद पर लंबे अरसे तक कांग्रेस राज करती रही और फिर उसी के दम पर मायावती ने सत्ता का चौका लगाया और पिछली बार अगर बीजेपी को प्रचंड जीत मिली तो दलित वोटों की उसमें बड़ी भूमिका थी। अब विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आया तो बीजेपी को अंबेडकर की याद आई है। मायावती ने एक के बाद एक चार ट्वीट किए जिसका भाव यही था कि ये सब नाटक से ज्यादा और कुछ नहीं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व उनके करोड़ों शोषित पीड़ित अनुयायियों का सत्ता के लगभग पूरे समय उपेक्षा व उत्पीड़न करते रहने के बाद अब विधानसभा चुनाव के नजदीक यूपी भाजपा सरकार द्वारा बाबा साहेब के नाम पर सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास करना, ये सब नाटकबाजी नहीं है तो और क्या है? मायावती जी का जिस बात का स्वागत करना चाहिए उसका विरोध करना मैं समझता हूँ अच्छा नहीं है। अनुसूचित जाति के हित का सवाल चुनावों में क्यों अहम हो जाता है, इसको ऐसे समझिए। उत्तर प्रदेश में एससी की आबादी करीब 4,13,00,000 है, यानी कुल आबादी का 22%। विधानसभा की कुल 403 सीटों में 86 सीटें एससी एसटी के लिए रिजर्व हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगियों को इनमें 76 सीटों पर जीत मिली थी। समाजवादी पार्टी को 7, जबकि मायावती की पार्टी बीएसपी को सिर्फ 2, वहीं एक सीट निर्दलीय उम्मीदवार को मिली। वैसे ही पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो यूपी की 80 सीटों में एससी एसटी के लिए 17 सीटें आरक्षित थी, इनमें बीजेपी और सहयोगियों को 15 सीटों पर जीत मिली, जबकि 2 सीटें मायावती के खाते में गईं। पिछले लोकसभा चुनाव से विधानसभा चुनाव तक बीएसपी की एससी पर कमजोर होती पकड़ को अब भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर ने पकड़ लिया है। चुनाव से पहले एक सकारात्मक गठबंधन बनेगा और वो गठबंधन जिसमें मैं गांव-गांव घूम के
विधानसभा घूम के जिला घूम के जो है ना भाजपा को रोकने के लिए शेड्यूल कास्ट के लोगों को, बैकवर्ड के लोगों को, माइनॉरिटी के लोगों को तैयार करूंगा कि भाई वो अपनी जिम्मेदारी को अदा करें। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही एससी वर्ग से टकराव की खबरें आई। इसी चंद्रशेखर के साथ महाराणा प्रताप की जयंती पर स्थानीय अफसरों के साथ टकराव हुआ, जिसमें चंद्रशेखर पर एनएसए भी लगा। तब से अनुसूचित जाति के हितों का सवाल सत्ता के गलियारों से टकराता रहा। लेकिन अब चुनाव आया है तो अंबेडकर की 25 फीट ऊंची प्रतिमा की भव्यता में 22% वोटों को जोड़कर देखा जा रहा है। तो देखा आपने, कहीं अनुसूचित जाति के वोट का खेल चल रहा है तो कहीं पिछड़े वर्ग की जातियों के वोट को लुभाया जा रहा है, तो कोई मुस्लिम वोट बैंक की चिंता कर रहा है। अब चुनाव सर पर है तो ये सारे समीकरण ऐसे ही साधे जाएंगे। ABP News आपको रखे आगे।